हैं उनको स्कीमों का बेनिफिट नहीं मिल रहा, जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको स्कीमों का फायदा मिल रहा है। उसकी मेन जो वजह यह है कि जो पार्टी सत्ता की जो स्कीमें गरीब आदमियों के लिए मिली हैं उन्हीं को इनका बेनिफिट मिले, जो डिजर्व नहीं करते हैं उनका इनको बेनिफिट नहीं मिले। कांग्रेस की सरकार में पहले जहां पर लोगों को 25-30 किलो आटा 25-30 किलो राशन मिलता था, इसी तरीके से उन लोगों को राशन मिले। हम गवर्नर महोदय से भी यही अपील करना चाहते हैं कि कम से कम एक वो गरीब होता है वो किसी पार्टी से तल्लुक नहीं रखता, गरीब आदमी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हम जहाँ की जो मैडम है हमारी डीसी सांबा, अगर फिर ऐसा हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम गरीब लोगों के साथ सड़कों पे उतरेंगे, प्रदर्शन करें। हम मकसद है वो ये है कि जो भी केंद्र से स्कीमें आ रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो मनरेगा है, चाहे वो गरीब आदमी को फ्लैट देने की स्कीम है, चाहे गरीब की लड़की में शादी में पैसे देने की बात है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, और भी बहुत सी स्कीमें हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं उनको इन स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए इसकी मजम्मत करती है और हम चाहते हैं जो लोग डिजर्व करते हैं उन्हीं को इनका फ़ायदा मिलना चाहिए। और इसकी जो मेन वजह ये है कि जो पार्टी सत्ता में है उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनके लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन स्कीमों का दुरुपयोग है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि गरीब है वो गरीब होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। गरीब आदमी को दो वक्त का खाना रोटी मिल जाए उसमें खुश रहता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं कि गरीब आदमी को इसका बेनिफिट मिले। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं मैडम डीसी सांबा से, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि जो लोग भी इन स्कीमों का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो स्कीमें गरीब लोगों को बनाई गई हैं, जिन गरीब लोग हैं उन्हीं को इनका फ़ायदा मिले, जो जिनके लिए नहीं बनाई गई उनको इनका फ़ायदा ना मिले। अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। कोई राशन की बात मैं करता हूँ कि राशन भी समय पर लोगों को नहीं मिलता, जो मिलता है खास करके बीपीएल और पीएचएच, इन्होंने कार्ड बनाए थे राशन कार्ड, 2 किलो आटा और 2 किलो चावल, आप समझिए इससे भद्दा मजाक इन गरीबों के साथ क्या हो सकता है। जिस घर की फैमिली के 8-10 मेंबर हैं खाने वाले, उनको वह 4 किलो आटा में गुजारा करे। इससे बेहतर है कि स्कीम को बंद कर दिया जाए, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार में, चाहे केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की जहाँ स्टेट में थी, 25-30 किलो आटा और 25-30 किलो चावल लोगों को मिलते थे, उसी तरह से हम गवर्नर महोदय से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम उन लोगों को क्विंटल के करीब आटा चावल महीने का मंथली दिलवाया जाए, ताकि वो लोग आसानी से अपना गुजारा करें और कोई गरीब